देखें ग्रामीण न्यूज यूट्यूब पर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण न्यूज, मैं हूं प्राची तिवारी। छत्तीसगढ़ में महासमुंद के किसान इस वक्त मुश्किल से उगाए गए टमाटरों को सड़कों पर फेंकने को मजबूर हो गए हैं। दरअसल टमाटरों की पैदावार से किसान अपनी लागत तो दूर की बात है, मजदूरी भी नहीं निकाल पा रहे हैं। नतीजतन किसान ना तो टमाटर तोड़ने को तैयार हैं और ना ही उसे खेतों से निकालकर बिचौलियों तक पहुंचाने को तैयार हैं। ऐसे में टमाटर की पैदावार में लगातार नुकसान झेल रहे किसान काफी परेशान और चिंतित हैं। जिले में टमाटर की पैदावार करने वाले किसानों की एक ओर जहां बेमौसम बारिश से फसल खराब होने लगी है, तो वहीं दूसरी तरफ टमाटर के दाम भी नहीं बढ़ने से किसानों में अब मायूसी छाई हुई है। कर्ज लेकर टमाटर की खेती करने वाले किसानों की चिंता तब और ज्यादा बढ़ जाती है जब किसान टमाटर लेकर मंडी तो जाते हैं मगर बिचौलिए किसानों की मेहनत का दाम औने पौने रेट पर लगा देते हैं। मजबूर किसानों को अपने खून पसीने की मेहनत से उगाए हुए टमाटर को प्रति किलो 1 रुपए से 1.25 रुपए में बेचना पड़ रहा है। इससे किसानों की लागत तक नहीं निकल पा रही। अमूमन 1 से 1.25 रुपए में खरीदा गया टमाटर अब चिल्लर बाजार में 5 से 7 रुपए में बिक रहा है, यानी सीधे तौर पर 5 से 6 रुपए का मुनाफा बिचौलियों को तो मिल रहा है, लेकिन इससे किसानों का कोई फायदा नहीं हो रहा। वहीं बैंक के दबाव में कर्ज से परेशान किसान जहां एक ओर अब टमाटर की खेती करने से मुंह फेरने की बात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ फसलों के हो रहे नुकसान पर भी राज्य की सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। टमाटर के दाम नहीं बढ़ने से किसान काफी परेशान है। वहीं धान की फसल को लेकर सरकार ने तो बैंक से ऋण माफ कर दिया है, लेकिन सब्जी और टमाटर की खेती के लिए जो स्थानीय व्यापारियों से लिया कर्ज और बैंक लोन किसान आखिर कैसे चुकाएंगे? अगर टमाटर के दाम जल्द नहीं बढ़ते तो एक बार फिर से महासमुंद के किसान सड़क पर उतरकर आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे। आपकी इस खबर के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथ ही हल्ला शोरगुल वाली खबरों से दूर रहने के लिए ग्रामीण न्यूज को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और साथ ही फेसबुक पेज को लाइक भी करें। देखिए ग्रामीण न्यूज यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।